आज का जो है ना सीन कुछ स्पेशल है, वो मैंने सोचा कि मैं इंट्रो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमेशा मैं इंट्रो में आप लोगों को बता देती, तो मैं इंट्रो में नहीं बताना, आप लोगों ने पूरा देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलता। बहुत तेज हो रहा है। तो अभी मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग एक जगह नहीं जाना, हमें बहुत सारी जगह जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने एंड तक साथ लेना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। नहीं तो चलो अभी सबसे पहले हम होते हैं रेडी और फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी और बाहर जाने के लिए मैं सबसे पहले जो है अपना अबाया सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे अबाया हैं तो मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सा अबाया लूँ। तो अबाये के साथ में मैंने अपना एक ब्लैक कलर का हिजाब ले लिया, उसके साथ ब्लैक मास्क ले लिया, तो इस पर सूट कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि ना यही ले लूँ। और उसके अलावा मैं ज़्यादातर मेकअप वगैरह नहीं करती बाहर जाते हुए, लेकिन हाँ ये है कि मस्कारा मैं लाजमी लगाती हूँ इसमें, तो मस्कारा और लिपस्टिक में बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, तो बस मैंने वही दोनों लिए हैं। और जलेबी मैं रेडी हुई हूँ, तो मैंने अपना बैग लिया है, उसके बाद फिर मैं गई हूँ अपनी फ्रेंड को लेने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ कॉर्नर पे मेरा वेट कर रही है। तभी मैं वहीं जा रही थी और मेरी फ्रेंड जो है मेरे लिए कॉर्नर पे आ चुकी थी, मुझे बार बार कॉल्स करी कि जल्दी आ जाओ। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ, और इतनी ज़्यादा धूप थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस क्या बताऊँ, मैं कुछ समझ नहीं आता, आँखें नहीं खुल रही थी इतनी ज़्यादा धूप थी। आज कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा धूप लगी, बारिश का तो कोई इम्कान ही नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता। तो बस मैं कॉर्नर तक पहुंची और फिर मेरी फ्रेंड जो है मुझे मिल गई। तो यहाँ पे बस हम लोग एक दूसरे से मिल लिए, तो और फिर यहाँ से हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस उसी के लिए हम लोग एक दूसरे से मिले थे। यहाँ पे मैं चिंची वाले अंकल का वेट कर रही थी, वो बेचारे खाना खा रहे थे, तो उन्होंने बोला 5 मिनट रुक जाओ, फिर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो मैनेजमेंट की बुक दे दीजिए और ऑडिट की दे दीजिए, इनकम टैक्स है तो वो लुकमान बेची चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ। ओ यार यार ये कितनी औसम है यार। और उर्दू की चाहिए कमाल की ये वाला नहीं, मुझे लग रहा है कि ये बड़े वाला लो, ये वाला तो सही रहेगा दादा। अब तो ऑडिट के लिए अकाउंटिंग पोस्ट वगैरह के लिए सही, ये सही है, क्योंकि इसके ना पार्ट बना लेना बीच में अगर तुम्हें। और भी ये दो ले लेते हैं, और कौन सी लेनी? अंकल चल अंकल के पास चल। मैम वाली बुक तो मिल के नहीं दे रही, क्या करें? अंकल कहाँ गए? अंकल गया बोला हाथ में, वो बोला ना वो मुंडी इसमें रखो। मैं वो देखते रही पीछे कौन है। अरे केचर इससे बड़े वाले नहीं होंगे। चलो तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव की हूँ, मैं अपनी वीडियोस वगैरह क्यों नहीं डाली। एक्चुअली मेरे घर में अब शादी होने वाली है, तो मैं इस वजह से उसमें तैयारियों में वगैरह में लगी हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं जस्ट अपनी कैजुअल चीज़ें लेने के लिए आई हूँ, जो कि मंथ के एंड में ख़त्म हो जाती हूँ। तो फिर मैं मतलब मैं और मेरी फ्रेंड वही लेने के लिए आई थी, और हम लोगों को कुछ बुक्स वगैरह भी लेनी थी, तो हम लोग बस उसके लिए आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी, वो मैं आप लोगों को घर पर जाकर दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया। यहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह ले रहे थे, और यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने मुझे चूड़ियाँ गिफ्ट की। हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो या तो मैं इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट करती हूँ, या ये मुझे हमेशा गिफ्ट करती है, तो हम लोगों में बस ये चलता रहता है। फर्स्ट हम लोग जो कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ ना कुछ लिए बगैर तो हम लोग आते ही नहीं है। आज तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें लिए, छोटी 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 छोटी, मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ क्या क्या दिखाऊँ। तो इस वजह से ना मैंने ना बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, अब वो मैं आप लोगों को घर पे आके दिखाऊंगी। ये मेरी चूड़ियाँ थी, मैंने अलग अलग करके पहनी थी, और मेरी जो फ्रेंड है उसने एक साथ पहनी थी। यहाँ पर हम लोग जो है ना मेकअप की शॉप पे आए थे, हम लोगों को नेल पॉलिश वगैरह लेनी थी और सॉ वगैरह लेना था, थोड़ा सा ना पिंपल्स वगैरह की वजह से। आपको पता तो है कि मतलब मौसम चेंज हो जाता है, तो फिर पिंपल्स वगैरह तो लड़कियों को अमूमन आ ही जाते हैं। तो मैं अपने लिए फेस वॉश लेने आई थी, और ये शॉप है मेरी सिस्टर ने मंगवाया था, तो ये इससे अगर कोई रिजल्ट हुआ, मतलब उन्हें किसी ने रिकमेंड किया था ये पिंपल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा, अगर इससे कोई फ़ायदा हुआ तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी इसके बारे में। लेकिन ये इसका अभी मुझे कोई एम नहीं है, लेकिन ये कि मेरी सिस्टर लगाएंगी तो मैं आपको उनसे पूछ के बता दूँगी। तो हमने बाकी चीज़ें सब ले ली थी, उसके बाद फिर जो है ना हम लोग घर जा रहे थे, लेकिन फिर रास्ते में हम लोगों को थोड़ी तेज़ भूख लगी, हमने बोला कि कुछ ना कुछ खा के ही जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड जो है वो गई थी ऑर्डर करने के लिए, और देख ले
किसी ने खाने तो आ जाओ यार, स्टिंग मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। इनको बोला हम तो बिरयानी लवर हैं, अगर आप लोग बिरयानी लवर हैं तो आप लोग भी आ जाएं और आप लोग भी खा लें। तो बस यही था हम लोगों का आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप लोग न्यू हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।